Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3, Domestic Animal. Animal कितने type के होते हैं? Animal होते हैं 2 type के, Domestic और Wild Animal. आज हम किससे related पढ़ने जा रहे हैं? Domestic, वो animal जिनको या तो हम अपने farm में रखते हैं या फिर हम उनको अपने घर के अंदर रखते हैं. तो उन animals को क्या बोला जाता है? Domestic Animal. Enhance your knowledge. Here is a scene of a farm. यहाँ पे आपको एक फार्म का जो सीन है, नज़ारा दिखाई दे रहा है. There are many birds and animals in the farm. यहाँ इस फार्म में क्या है? बहुत सारे बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं. Can you name them? क्या आप उनके नेम बता सकते हो? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. See, बेड दिखाई दे रही है आपको. Hen, मुर्गी दिखाई दे रही है. Horse, घोड़ा दिखाई दे रहा है आपको. इसके बाद यहाँ पे गोट है, काव है, डक है, इन सब के मैंने यहाँ पे नेम रिटर्न किए हुए हैं. देर आर मैनी एनिमल्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे जानवर होते हैं. दे लिव एट डिफरेंट प्लेस एंड सम ऑफ देम आर केप्ट विद अस इन आवर हाउस एंड फील्ड. कि कुछ तो अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जानवर होते हैं जिनको या तो हम अपने घरों में या हम हमारे खेतों में रखते हैं. डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल दैट आर वेरी यूजफुल टू अस. जानवर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आर केप्ट एट होम, उनको घर में रखा जाता है, और ऑन द फार्म, या उनको हम फार्म में रखते हैं, आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं. वी टेक स्पेशल केयर ऑफ दीज एनिमल. हम क्या करते हैं? इनकी विशेष देखभाल करते हैं. वी प्रोवाइड देम विद फूड एंड शेल्टर. हम उनको खाना भी देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं. दे आर यूजफुल इन मैनी वेज. वो अलग अलग तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं. अब आता है यूजेज ऑफ एनिमल. एनिमल की यूजेज क्या है? एनिमल ऑल्सो गिव अस मैनी थिंग्स लाइक द प्लांट. जिस तरीके से पौधे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उसी तरीके से एनिमल भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. सबसे पहले आता है मिल्क. सम एनिमल गिव अस मिल्क टू ड्रिंक. कुछ जानवर हमें दूध देते हैं पीने के लिए, जैसे गोट है, काव है, बफेलो. फिर आता है मिल्क इज वेरी असेंशियल फॉर गुड हेल्थ. हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक मैनी थिंग. ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है, जैसे बटर, कर्ड, दही, चीज, स्वीट्स, मिठाइयाँ. फिर आता है एग्स, अंडे. सम एनिमल्स गिव अस एग. कुछ जानवर हमें अंडे देते हैं. मैनी पीपल ईट एग्स. और बहुत सारे लोग अंडे खाते भी हैं, जैसे हैन और डक. फिर आता है मीट. मीट मीन्स होता है मांस. सम एनिमल्स गिव अस फ्लैश और मीट. कुछ जानवर हमें मीट और मांस देते हैं. वी कुक देयर फ्लैश टू ईट. हम क्या करते हैं? उनके मांस को पकाते हैं खाने के लिए. आप नहीं खाते, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनको खाते हैं. फिर आता है सिल्क एंड वूल. सिल्क और वूल, ऊन. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म. हमें सिल्क का कपड़ा जो होता है वो कहाँ से मिलता है? जो सिल्क का धागा होता है वो कहाँ से? सिल्क वर्म से मिलता है. कीड़े का नाम होता है सिल्क वर्म. सिल्कन क्लोथ्स आर यूज इन समर. गर्मियों में सिल्क के कपड़ों का यूज किया जाता है. दे कीप अस कूल. वो हमें ठंडा रखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप हेयर. हमें भेड़ों के जो बाल होते हैं ना, उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है. वूलन क्लोथ्स आर यूज इन विंटर. और वूलन क्लोथ का हम यूज कब करते हैं? सर्दियों में. दे कीप अस वार्म. वो हमें गर्म रखते हैं. फिर आता है हनी एंड वैक्स. शहद और वैक्स. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीहाइव. मधुमक्खी का छत्ता आप सबने देखा होगा, उससे हमें शहद तो मिलता ही है. शहद निकालने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उसका वैक्स मोम बनाने के लिए यूज किया जाता है. और उससे हम मोमबत्तियाँ बनाते हैं, वैक्स बनाई जाती है उससे. फिर आता है लेदर. लेदर मीन चमड़ा. स्किन ऑफ डेड एनिमल लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, बफेलो, काव, कैमल्स एंड गोट्स आर यूज एज लेदर. जैसे जानवर मर जाते हैं, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, भैंस है,
गाय है, ऊंट है और बकरी। जब ये मर जाते हैं तो इनकी चमड़ी उतार ली जाती है, और उस चमड़े का यूज किसके लिए किया जाता है? लेदर के रूप में किया जाता है। लेदर इज यूज फॉर मेकिंग बैग। लेदर का यूज किस किस के लिए किया जाता है? बैग बनाने के लिए, शूज जूते बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए एंड सूटकेस बनाने के लिए। फिर आता है मैन्योर एंड फ्यूल, खाद और ईंधन। डंग ऑफ सम एनिमल इज ड्राइड एंड यूज एज मैन्योर फॉर प्लांट्स एंड एज फ्यूल फॉर बर्निंग। कुछ जानवरों का जो गोबर होता है उसको सुखाया जाता है, उसको खाद के रूप में यूज किया जाता है पौधों के लिए, और उसका ईंधन के लिए, जलाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, हॉर्स एंड कैमिल, जैसे कि हमारी गाय, भैंस, घोड़ा और ऊंट है। फिर आता है बीस्ट ऑफ बर्डन, हमारा बोझा उठाने के लिए। सम एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स, कुछ जानवरों का यूज किया जाता है बोझा उठाने के लिए। फॉर सच एज हॉर्स, कैमिल, ओक्स, एलिफेंट, डोंकी एसेट्रा, जैसे कि घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी, गधे, इनका यूज किस लिए किया जाता है? हम इनसे क्या करते हैं? घर का जो हमारी लकड़ियाँ वगैरह होती है, बोझा उठाया जाता है उसके लिए इनका यूज किया जाता है। हॉर्स ड्रा आ कार्ट कॉल्ड टांगा, घोड़ा क्या खींचता है? टांगा को खींचता है। ऑक्स प्लो द फील्ड, बैल क्या करता है? खेतों को जोतता है। कैमिल एंड डोंकी कैरी लोड, ऊंट और डोंकी क्या करते हैं? लोड, वजन उठाते हैं। दीज एनिमल वर्क हार्ड फॉर अस एट द फार्म, ये क्या करते हैं? हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कैमिल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमिल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। फिर आते हैं पेट्स, पालतू। अब तक हमने जो एनिमल्स पढ़े थे वो कैसे थे? उनको हम अपने फार्म में पालने वाले थे, कुछ अलग-अलग चीजें देने वाले थे और कुछ हमारा बोझा उठाने वाले थे। अब आते हैं कुछ पालतू जानवरों को हम अपने घर के अंदर तक रखते हैं, इवन हमारे बेड में भी ले जाते हैं, हम हमारी गोद में भी उठाते हैं। वी कीप कैट्स, डॉग, रैबिट्स, पैरेट एंड पिजन एज पेट्स, हम बिल्ली, कुत्ते, खरगोश, तोता और कबूतर, इनको पालतू जानवरों के रूप में हम पालते हैं। पेट्स लिव विद यूज एज अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली, और इनको हम कैसे रखते हैं? हमारे फैमिली के हिस्से की तरह, मतलब जैसे हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं ऐसे ही हम इनको रखते हैं। वी कीप देम फॉर फन एंड सेफ्टी, हम इनको या तो घर की सुरक्षा के लिए रखते हैं या फिर फन, मजे करने के लिए रखते हैं। डॉग्स गार्ड आर होम फ्रॉम थीव्स, जो कुत्ता होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है चोरों से। कैट्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम आर होम, और बिल्लियाँ क्या करती है? हमारे घर से चूहों को दूर करती हैं। फिर आता है शेल्टर फॉर एनिमल्स, कि किस किस एनिमल के लिए कैसा कैसा शेल्टर बनाया जाता है। सम एनिमल्स लिव इन द हाउस प्रोवाइड बाय अस, कुछ जानवर घरों में रहते हैं जिनको हम बना के देते हैं, जैसे काउ इन अ शेड, काउ कहाँ रहती है? छप्पर में रहती है। हॉर्स इन स्टेबल, घोड़ा स्टेबल में रहता है। सीप इन अ पेन, पेन होता है दड़बा, एक सर्कल जैसा घेरा बना दिया जाता है चारों तरफ लकड़ियां लगा के, ताकि भेड़ बकरियां बाहर ना निकल सके। फिर आता है डॉग इन कैनल, डॉग कैनल में रहता है। हैन इन अ कूप, और हैन कहाँ रहती है? दड़बे में रहती है। द प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट फॉर देयर मीट एंड एग्स इज कॉल्ड अ पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मांस और अंडों के लिए जानवरों को रखा जाता है उसको पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, एनिमल्स आर यूजफुल इन मैनी वेज, एनिमल्स क्या होते हैं? कई तरीके से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सम एनिमल्स गिव अस मिल्क टू ड्रिंक, कुछ जानवर हमें दूध देते हैं पीने के लिए। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, हमें सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वर्म से। स्किन ऑफ डेड एनिमल इज यूज टू मेक लेदर, लेदर किसे बनाया जाता है? जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी स्किन से। और शिप ऑफ डेजर्ट किसे बोला जाता है? कैमिल को। फिर आता है गिव टू एग्जाम्पल, मिल्क, दूध कौन देता है हमें? काउ और बफेलो, गोट भी लिख सकते हो, कैमिल भी लिख सकते हो आप। एग, अंडे किसे मिलते हैं हमें? हैन और डक। मीट किसे मिलता है? गोट और फिश। लेदर किसे मिलता है? स्नेक्स और क्रोकोडाइल। फिर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल्स दैट वी केप्ट
एट होम और ऑन अ फार्म, वो जानवर जिनको या तो हम अपने घर में रखते हैं या हमारे फार्म में रखते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल बोला जाता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट हनी एंड वैक्स, हनी और वैक्स कहाँ से मिलता है? अगर आप यहाँ पे बीहाइव लिख दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर कंप्लीट लिखना है तो आप यहाँ से लिख रहे हो वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीहाइव। इसके बाद आता है राइट द नेम ऑफ सम मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। बटर, कर्ड, चीज, स्वीट्स। इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझा उठाने वाले जानवरों के लिए। एनिमल्स दैट कैरी लोड, जानवर जो वजन उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन बोला जाता है। हाउ इज द डंग ऑफ सम एनिमल्स यूज, कुछ जानवरों का जो गोबर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर मेन्योर एंड फ्यूल, खाद और ईंधन के रूप में। फिर आता है व्हाट इज द यूज ऑफ वैक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारे जीवन के अंदर वैक्स का क्या महत्व है? इससे क्या बनाई जाती है? कैंडल बनाई जाती है। अगर हमारी लाइट चली जाती है तो हम कैंडल को जलाते हैं। ये आपकी फन एक्टिविटी है कि बहुत सारे एग्सेल्स देखे होंगे, अंडे देखे ना आपने, जब अंडों का ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया जाता है उनका जो नीचे का सेल बच जाता है ना उसके ऊपर क्या करना है? बहुत सुंदर से उनको धूप में सुखा के उनके ऊपर कलर करना और उनके अंदर हम छोटे छोटे पौधों को उगा सकते हैं। इससे हमारे पौधे भी अच्छे उगते हैं और उनको अच्छा सा पोषण भी मिलता है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।